हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक प्रेशर केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो चाहे वो 10th क्लास का है, 12th क्लास का है, IAS का है, PCS का, या नीट का है, बैंकिंग, रेलवे, या फिर UK SSC का है, आप कैसे उस पर 95% स्कोर कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, बट लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, ध्यान से सुनिएगा। स्टडीज़ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, NCERT की बुक्स पढ़ें, NCERT की बुक्स ज़रूर पढ़ें। इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाएं, वॉल्स पर पेस्ट करें, लिख करें, एक पेपर पर लिख लें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और उसको आप पेपर को वॉल्स पे पेस्ट करें, जिससे कि आपको एनी टाइम आप कभी भी देख सकते हैं, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप पक्के से अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे, जिससे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, रिवाइज कर सकें, इस चीज़ को आप रिवाइज करें कर सकते हैं बार बार। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएं, हर चीज़ के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं बुक्स में से, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, लिख लिख कर याद करें उसको। ये बहुत अच्छा मेथड होता है, लिख लिख के याद करना। फिगर्स एब्रीविएशंस पर ध्यान दें, ठीक है, कोशिश करें हर लाइन से क्वेश्चन बनाने की, हर लाइन से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेहनत तो सभी करते हैं, बट सही डायरेक्शन में मेहनत होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, कि मेरे को करना है, पक्का करना है। ठीक है, हार्ड वर्क करो बट स्मार्ट वर्क के साथ। सब कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट कोई ये नहीं कहता कि कैसे पढ़ो, क्या चीज़ कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे क्या काम करना है जिससे कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। सिर्फ ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं, उसको आपको याद रखना है। हर पैराग्राफ में से आप अगर पॉइंट्स बनाएंगे तो आपके कोई चीज़ भी नहीं छूटेगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बना बना के नोट करें, लिखें उसको, शेड्यूल बनाओ कि हमें ये काम करना है, इस बीच में ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है। समय के पाबंद बनिए, ये ना हो कि सो रहे हैं कि चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। समय का पाबंद होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप वर्किंग में हैं या स्टडीज़ में हैं, किसी भी चीज़ में हैं। खुद को टारगेट दो कि इस टाइम हमें ये वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, और कंटिन्यू स्मार्ट वर्क करते रहो, और जब तक करो, जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए, करते रहो बस, कि करना है बस, बिल्कुल पैनिक हो जाओ उस काम को करने के लिए कि हमें ये काम पूरा करना है। एक एक मिनट बहुत कीमती है, ध्यान रखिए, हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती है। जितना भी टाइम है, चाहे 2 मंथ्स का है, 1 मंथ्स का है, या 20 डेज का है, ये आपका गोल्डन टाइम है, याद रखिए। यही वो टाइम है जो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, कहते हैं कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता है, जबकि सच तो ये है कि जो कर रहा है वो ही उस चीज को कर सकता है। हम किसी चीज पे मेहनत कर रहे हैं तो हम ही तो उस काम को कर सकते हैं। बस आप ये फोकस बना के रखिए कि हमें इस काम को करना है, कंप्लीट करना है, और हमें सक्सेस होना है। याद रखिए, आप एक नाम बनाने वाले हैं, आपका नाम होगा जिसे ये दुनिया जानेगी। लास्ट में मैं आपको कुछ 95% स्कोर करने के इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी, जो पहले आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। स्टडी ज़्यादा
और टाइम कम, ऐसे में क्या करें? समझ रहे हैं ना आप, स्टडी तो बहुत ज़्यादा है, मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है और टाइम है हमारे पास बहुत कम, तो ऐसे में क्या करें? ठीक है, आपको क्या करना है, फोकस करना है जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप ये कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर से आप आइडिया ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना ना भूलें, उसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी क्वेश्चन उसमें ना छोड़ें। ठीक है, उस पेपर पे ध्यान दीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आया है, उस टॉपिक को आप लिखिए, ध्यान दीजिए उसमें कि आप किस इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जामिनर घुमा के भी पूछ सकता है उसी क्वेश्चन को, तो इसलिए एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। फर्स्ट टिप तो ये है, स्टार्ट नाउ, यानी कि काम को कल पर मत छोड़ो, हमेशा अपने काम के लिए स्टार्ट रहो। कभी भी ये बस सोचो यार बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, ऐसा कभी भी मत करना। आपको जो काम बाद में करना है उस कोशिश करो कि अभी क्यों नहीं, हम अभी कर सकते हैं, हम तो अभी करेंगे। बस वो जो एक अंदर से जो वो एक पावर होती है ना, यही पावर आपको सक्सेस दिलाएगी, आपको ऊंचाई तक लेके जाएगी। ओके, काम को अभी स्टार्ट करो और रात को सोने से पहले ये सोचो कि मुझे कल क्या करना है, पहले से अपना माइंड मेकअप करके रखो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना है मेरे को। टिप नंबर टू, रीडिंग राइटिंग एंड लर्निंग की पावर को इंक्रीज करो। ओके, यानी कि धीरे धीरे बढ़ाओ उस चीज़ को, रीडिंग को बढ़ाओ, राइटिंग को बढ़ाओ, लर्निंग की जो पावर है उसको बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाते रहो उसको, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। अपने आप से कहो कि और पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ये जो चीज़ होती है ना कि हाँ हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ये जो आप अपने अंदर से उस चीज़ को महसूस करेंगे, इस चीज़ को पूरा पक्का अपने दिमाग से भी अपने मन से भी जब करेंगे ना, तब देखिएगा आपको कितना लाइटली फील भी होता है और आप करते चले जाएंगे बिल्कुल इस चीज़ को। टिप नंबर थ्री, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर किस पैटर्न में आता है। ठीक है, उसको ज़रूर देखें, बिल्कुल देखें, बिल्कुल मिस ना करें। टिप नंबर फोर, चीज़ों को विजुअलाइज करो, इंटरेस्टिंग मोड में पढ़ो। ठीक है, हाइलाइट्स करो, पॉइंट्स को हाइलाइट्स करो। हम चीज़ों को देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, देखकर ही तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती है हमको। हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, वो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को भी एक इंटरेस्टिंग मोड में लेकर पढ़िए। ठीक है, और जो चीज़ समझ में आती है तो कोशिश करो ये क्या क्यों नहीं आ रही है, जब और लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो कर सकता हूँ। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ अपने मन में रखिए, मतलब अपने दिमाग में बिठा के रखिए, करना है तो बस करना है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।